श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपका प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। BSc फर्स्ट ईयर के बोटनी के सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय के अंदर हम बात करने वाले हैं आज का एक नया टॉपिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोग कहते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल जो होती है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद का जीनोम पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, और इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिले तो उस पार्ट को आप लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। यानी कि मान लीजिएगा ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में ये क्या है, बैक्टीरियल सेल का जीनोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। जीनोम क्या होता है, हेप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम आल्सो कॉल्ड जीनोम। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं अतिरिक्त रूप से आप लोगों को देखने को मिलती है। अतिरिक्त रूप का मतलब है खुद के जो गुणसूत्रीय भाग जो है उसके अलावा जो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि एक प्रकार का जीनोम ही है, DNA है। तो ये सारा का सारा क्या है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड के रूप में इसे डिफाइन करते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया कि बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद के जीनोम के अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, गोलाकार संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग देखेंगे जोशुआ लेडर बर्ग एंड विलियम हेस, ये दो साइंटिस्ट जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने क्या काम किया है, प्लाज्मिड की खोज की है। किसके द्वारा, जोशुआ लेडरबर्ग और विलियम हेज के द्वारा। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि प्लाज्मिड के अंदर आपने कहा कि जो ये अतिरिक्त वर्तुलाकार या सर्कुलर जो भाग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे आप लोग प्लाज्मिड कह रहे हैं, ये सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और ओपन रिंग के रूप में भी हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि ये गोलाकार ही आप लोगों को देखने को मिले, ये लीनियर पैटर्न को भी अरेंज शो कर सकता है, या ओपन रिंग इस प्रकार के पैटर्न को भी शो कर सकता है, या फिर इस प्रकार के सर्कुलर पैटर्न को भी शो कर सकता है। आप लोग देखेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मोस्टली एक प्लाज्मिड या इनकी संख्या आपको मोस्टली 18 से लेके 25 तक के जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये सारा का सारा भाग होता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, वो आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो प्लाज्मिड इसके अंदर मौजूद होता है, ये प्लाज्मिड यहाँ पर दो प्रकार के काम करता है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। फर्स्ट नंबर तो ये क्या काम करेगा कि इसका सेल्फ रेप्लिकेशन होगा, कई सारे जीनोम की कॉपियां बनेगी, या फिर ये क्या काम करेगा, इस बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये दो प्रकार के काम जो है वो शो करता है। यानी कि एक तो क्या हो रहा है, इससे ये पैटर्न बन गया जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। एक तो क्या हो रहा है, सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, समाकलित हो रहा है। और इसी के आधार पर ये प्लाज्मिड होते हैं वो मोस्टली आपको दो रूपों में देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा प्लाज्मिड की फॉर्म में, और दूसरा देखने को मिलेगा एपिसोम की फॉर्म के अंदर। तो प्लाज्मिड किसे कह रहे हैं, जब
बैक्टीरियल सेल के अंदर उसके खुद के जीनोम के अलावा जो भी सर्कुलर स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, वर्तुलाकार संरचनाएं देखने को मिल रही है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट हो जाए, इसके जीनोम से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो स्वतंत्र अस्तित्व है तो इस चीज़ को तो आप लोग क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड के रूप में इसे आप लोग डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ में जुड़ जाता है तो यहाँ पर ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है और ऐसे भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, एपिसोम कह देते हैं। और ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेट पैटर्न जो है उसको शो कर लेता है और आगे जाकर ये क्या काम करेगा, रिकॉम्बिनेंट पैटर्न जो है उसका निर्माण करने का काम करता है। तो पूछ लिया जाता है प्लाज्मिड, तो आपने देख लिया प्लाज्मिड क्या है, एपिसोम क्या है। एपिसोम किसको कह रहे थे कि भाई जो प्लाज्मिड यहाँ पर देखने को मिल रहा था वो बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ में अटैच्ड हो गया, जुड़ गया। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेट होना, समाकलित हो जाता है। और समाकलित हो गया तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट जीनोम जो है वो बन गया, एक प्रकार का क्या है, रिकॉम्बिनेंट जीनोम जो है वो बन जाता है। तो इस भाग को आप लोग क्या कहते हैं, एपिसोम के रूप में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब ये इसके साथ में जुड़ता है तो इसे हम HFR के रूप में भी डिफाइन करते हैं। HFR पैटर्न जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अब HFR का मतलब क्या होता है, हाईली फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट, हाईली फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट पैटर्न जो है वो बन जाता है। हाईली फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पर ये तो भाग था आपका प्लाज्मिड भाग, और ये भाग जो है वो क्या है, पूरा का पूरा बैक्टीरियल क्रोमोजोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या बन गया, HFR। HFR का मतलब है कि पूरा का पूरा प्लाज्मिड का जीनोम जो है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ में जुड़ा है, कोई थोड़ा पार्ट जो है वो नहीं जुड़ा, पूरा जुड़ा है। तो इस भाग को आप लोग क्या कहेंगे, HFR, हाईली फ्रिक्वेंट रिकॉम्बिनेंट पैटर्न के रूप में आप लोग इसे जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया प्लाज्मिड क्या है, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड। प्लाज्मिड दो रूपों में पाया जाता है, किस रूप में, प्लाज्मिड के रूप में या एपिसोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो लीनियर पैटर्न भी हो सकती है, ओपन रिंग भी हो सकता है, या सर्कुलर पैटर्न जो है उसके रूप में भी हो सकता है। मोस्टली एक सेल के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, या इनकी संख्या 18 से 25 तक की आप लोगों को बैक्टीरियल सेल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। सेल्फ रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है इसके अंदर, इंटीग्रेशन पैटर्न जो है वो किस प्रकार से बनता है, या HFR पैटर्न जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर बनता है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या काम करता है, क्लोनिंग व्हीकल का काम करता है। क्लोनिंग व्हीकल का मतलब ये है, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा वेक्टर, वाहक। वाहक का मतलब ये होता है कि हम लोग मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर कोई किसी जीनोम को डालना है, ये कोई जीन था, इस जीन को डालेंगे। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट डालें, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है वो यूज़ करें, जिसमें आप लोग मोस्टली देखते हैं पार्टिकल टेक्निक होती है, या फिर लिपोफेक्शन होता है, कई प्रकार की टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा हम डायरेक्टली इस जीनोम को इस सेल के अंदर इंजेक्ट करवा दें। दूसरा पैटर्न ये होता है कि हमें किसी वेक्टर की आवश्यकता होती है, किसी वाहक की आवश्यकता होती है, और ये वाहक क्या करता है, उस जीनोम को अपने साथ में जोड़कर इस सेल के अंदर इंटर हो जाता है। तो ये सारा का सारा, यानी कि दो प्रकार के जीन का ट्रांसफर होता है, एक तो डायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड जहाँ पर वेक्टर वगैरह जो है वो यूज किया जाता है। तो ये जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोनिंग के व्हीकल के नाम से जाने जाते हैं, यानी क्लोनिंग वाहक के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि जब ये वेक्टर किसी दूसरी सेल के अंदर इंटर कर रहा है तो इससे क्या होगा कि यहाँ से फिर से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट पैटर्न जो है वो तैयार किए जाएंगे। और ये रिकॉम्बिनेंट पैटर्न है जिनसे आप लोग मोस्टली देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो सारे के सारे बनाए जाते हैं। तो ये मोस्टली क्या काम करते हैं, क्लोनिंग व्हीकल का
काम करते हैं। और इसी कैटेगरी के अंदर क्या आता है, आपका प्लाज्मिड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये याद रखना कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक प्रकार का क्लोनिंग व्हीकल जो है उसका काम करता है। अब प्लाज्मिड तो आपने कहा कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, किस प्रकार से, या तो प्लाज्मिड के रूप में प्रेजेंट है या एपिसोम के रूप में प्रेजेंट है। इस प्लाज्मिड को हम किस प्रकार से आइसोलेट करें, तो प्लाज्मिड को आइसोलेट करने का जो मेथड आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बैक्टीरियल सेल में से इसे कैसे निकाला जाए, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का आइसोलेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्टली तो आप लोगों को क्या करना है कि जो बैक्टीरियल सेल थी इसको क्या करेंगे हम, डिटर्जेंट के साथ में इंटररिएक्ट करवाएंगे। और जब डिटर्जेंट के साथ में इंटररिएक्ट करवा रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल वॉल वगैरह जो है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। और क्या बच जाएगा, जीनोम का पैटर्न जो है वो बच जाएगा, डीएनए वगैरह जो है वो बच जाएंगे। इस जीनोम पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है लाइसेट के नाम से, इसे हम लोग जानते हैं कि लाइसेट जो है वो बन जाता है। सिंपल सा ध्यान में रखना है कि बैक्टीरियल सेल को हम डिटर्जेंट से इंटररिएक्ट करवाते हैं, इंटररिएक्ट करवाते हैं तो सेल वॉल वगैरह जो है वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है, जो डीएनए वगैरह जो है इसके जो कंटेंट है क्रोमोजोमल कंटेंट वो सारे के सारे बच जाते हैं, जो कि किस फोरम के अंदर है, लाइसेट की फोरम के अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब इस लाइसेट को हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम एसीटेट के साथ में ट्रीट करवाएंगे। और पोटेशियम एसीटेट के साथ में ट्रीट करवा रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर डीएनए का भी निक्षेपण है, इसके अंदर आरएनए भी है और अदर कंटेंट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब आप लाइसेट के अंदर पोटेशियम एसीटेट डाल रहे हैं, पोटेशियम एसीटेट डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके लेबोरेटरी के अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। और ये सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, जो भी कंटेंट है उसको क्या करता है, हाईली स्पीड के अंदर रोटेट करवाता है। और जैसे ही ये रोटेट करवाएगा तो आप लोग देखेंगे कि जो भारी तत्व जो प्रेजेंट है वो तो क्या होंगे, जो इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब डाली जाती है उसके पेंदे के अंदर जमा हो जाते हैं, जबकि लाइट वेट वाले जो कंटेंट है वो आपको उसकी ऊपरी सतह पर तैरते हुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, सेपरेशन का जो काम है वो सारा का सारा किया जाता है। तो लाइसेट के अंदर पोटेशियम एसीटेट डाला तो ये कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंटेंट प्रेजेंट है तो एक एंजाइम काम में लेंगे, आरएनएज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, आरएनए जो होता है इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, आरएनए को तोड़ने का काम करता है या आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब बच गया क्या इसके अंदर, डीएनए जो है वो बच गया। कैसा डीएनए है, जो भी आप लोगों ने देखा कि या तो वो क्या है, किस रूप में, एपिसोम के रूप में या प्लाज्मिड के पैटर्न के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इस डीएनए के साथ में इसके अंदर और भी कुछ मटेरियल, प्रोटीन पार्ट वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस डीएनए को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर फिनोल कंटेंट जो है वो डाल देते हैं। तो फिनोल कंटेंट डालेंगे तो उस कंडीशन में डीएनए जो है वो तो आपको निचली सरफेस में आप लोगों को प्राप्त होगा, बाकी के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे आपको फिनोल की ऊपरी सतह पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऊपरी सतह को हम फ्री कर दें
तो नीचे से आप डीएनए का अवक्षेप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और वो डीएनए का अवक्षेप जो है वो क्या होता है, प्लाज्मिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो प्लाज्मिड का आइसोलेशन किस प्रकार से किया जाता है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। छोटा सा सिंपल सा मेथड है कि भाई सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल को डिटर्जेंट से इंटरेक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, लाइसेट बनता है। इस लाइसेट को पोटेशियम एसीटेट से ट्रीट करवाते हैं तो ये कंटेंट निकल कर हमारे पास में आते हैं, इसको सेंट्रीफाई किया जाता है। जैसे ही सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो इन कंटेंट में से आरएनए को फ्री करने के लिए इस एंजाइम का यूज़ करते हैं, जिससे आरएनए नष्ट हो जाता है। फिर इसके अंदर डीएनए को निकालने के लिए, प्रोटीन पार्ट को अलग करने के लिए फिनोल और डाल रहे हैं, जिससे डीएनए हमें पेंदे में प्राप्त हो रहा है। बाकी के जितने भी सब्सटेंस है वो सारे के सारे हमें ऊपरी सतह पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये होगा आपका आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं हम इसके। अब ये जो प्लाज्मिड होता है वो कई प्रकार का प्लाज्मिड आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि भाई एक तो आपने देख लिया था एचएफआर पैटर्न के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था, एक प्लाज्मिड एपिसोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिला था। इसके अलावा और भी कई प्लाज्मिड होते हैं, जैसे आप लोग बात करेंगे टीआई प्लाज्मिड है, आरआई प्लाज्मिड है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है किसके अंदर, एग्रो बैक्टीरियम के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ट्यूमर क्रिएट करवाता है टीआई प्लाज्मिड से, क्या होता है ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, इससे क्या फॉर्मेशन होता है, रूट्स जो हैं वो फॉर्मेशन होते हैं, राइजोड्स वगैरह जो हैं वो सारे के सारे बनते हैं। और इसके अलावा ये आपको एफ प्लस एफ माइनस फैक्टर के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि एफ का मतलब क्या होता है, फर्टाइल फैक्टर जो होती है उस रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग देखेंगे कि बैक्टीरियाज के अंदर क्या पाया जाता है, लिंग रोम पाए जाते हैं, जिन्हें आप लोग कहते हैं सेक्स पिली जो है वो प्रेजेंट होती है। ये बनी होती है किसकी बनी होती है, पाइलीन प्रोटीन जो होती है उसकी बनी होती है। तो अगर ये प्रेजेंट है, सेक्स पिली प्रेजेंट है, तो इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, फर्टाइल फैक्टर प्रेजेंट है, एफ प्लस प्लाज्मिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर ये फर्टाइल फैक्टर नहीं पाए जा रहे हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, एफ माइनस फैक्टर के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर ये पिल्ली पाइलीन प्रोटीन से बनी है तब तो आप इसको एफ प्लस एफ माइनस स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही आपको आई प्लाज्मिड के अंदर भी देखने को मिलेगा। आई का मतलब होता है कि यहां पर कोलीसिनोजेनिक सबस्टेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी सेक्स पिली जो होती है उसके अंदर पॉलीसिनोजेनिक कंटेंट जो होते ही है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आपने कहा टी आई प्लाज्मिड, आर आई प्लाज्मिड, ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर होता है। तो ये टी आई प्लाज्मिड ट्यूमर का फॉर्मेशन करवाता है, आर आई प्लाज्मिड जो होता है रूट्स का फॉर्मेशन करवाता है, रूट नोडुलेट्स वगैरह जो है वो सारे के सारे बनते हैं। इसके अलावा इन्हीं प्लाज्मिड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन से होते हैं कि भाई ऐसे प्लाज्मिड जिनसे हम रिकॉम्बिनेंट पैटर्न बना दें, ये रिकॉम्बिनेंट पैटर्न कौन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पी एस सी 101, पी बी आर 322 और पी यू सी 7। ये पैटर्न जो हैं वो आपको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के देखने को मिलते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि प्लाज्मिड जो है वो मोस्टली छोटे साइज के जीनोम को लेकर एक सेल से दूसरे सेल में जीन ट्रांसफर कर रहा है, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में हमने क्या किया कि जीनोम की साइज बढ़ा दी, जिससे बड़े आकार के जीनोम जो है उनको लेकर जाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि पी का मतलब तो प्लाज्मिड, एस सी का मतलब ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका फॉर्मेशन किया है, कौन से, स्टेनली नॉर्मन कोहेन। और ये जो है ये एक साइंटिफिक नंबर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि प्लाज्मिड के रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। सेम यहां पर ये प्लाज्मिड है, बीआर का मतलब साइंटिस्ट कौन सा, बोलीवर एंड रोड्रिगेज। और पीयूसी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ
कैलिफोर्निया जो है उसके अंदर ये बनाया गया। तो ये सारा का सारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर आप लोग देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर इनकी साइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए टेट्रा साइक्लिक रेजिस्टेंस है, जिससे इनकी मार्किंग वगैरह जो है वो आसानी से की जाए। और एक इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जैसे कि आप लोगों को इको आर फर्स्ट हिंद थर्ड और बाम जो है फर्स्ट, इस रूप में आप लोगों को ये क्या होते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जो कि डीएनए को कट करने का काम करते हैं, स्टिस की एंड ब्लंट एंड बनाते हैं। एस्किरेसिया कोलाई, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा और बेसिलस अमाइलोक्यूफेशियंस, ये सारे के सारे आपको क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर इनकी स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो प्लाज्मिड के संदर्भ में आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कौन कौन से पैटर्न आते हैं, और प्लाज्मिड जो है वो किस किस प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या है और कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनकी संरचना के बारे में आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो फिलहाल आपको प्लाज्मिड के अंदर ये सारा कंटेंट जो है वो आप लोगों को याद में रखना है। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।